जल्दी जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपति नाम में सब पवित्र लोगों में आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक संगति हमें दिया। जब भी हम इकट्ठा होता है तो प्रभु को बहुत आनंद होता है। प्रभु हमेशा ये देखता है कि कोई बुद्धिमान मनुष्य है क्या जो मेरा खोज में है। प्रभु का खोज में रहने वाला या प्रभु की उपस्थिति में आने वाला प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान व्यक्ति है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। लेकिन जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आता है कैसे आता है? सच्चा आनंद के साथ हम आप आता है। देखिए सच्चा शांति हमारे में है। देखिए कई बार ना कई रीति में हमारा आनंद चोरी होता है ना, पर कई रीति में खास करके आपको मालूम है कई लोगों की आनंद चोरी क्यों होता है? कई चिंता में, चिंता। प्रभु बार बार कहा बात है, मत्ती छह अध्याय आपको मालूम है, बार बार बोलता है कि तू चिंता ना कर ना। बार बार प्रभु माला 25 से आप जब 33 तक पढ़ेगा ना, बार बार प्रभु कहता है तू चिंता ना कर। लेकिन जिस बात को ना करने के लिए बोला, करना हमारा काम है ना, जिस बात को ना करने के लिए बोला वो करते करते हम लोग क्या करता, हमारे जीवन में जो आनंद चोरी होने के लिए देता, आनंद खोने देता। प्रियो जिस बात में कौन बोला चिंता ना कर? मेरे यीशु मसीह ने बोला। मेरे यीशु मसीह ने अगर चिंता ना कर करके बोला तो फिर मैं ऐसे बातों पर, मतलब कई बार ऐसा कुछ बातों पर चिंता करता है जिससे मतलब वो लोग दुखी और निराश होता है, मतलब फालतू में, उसमें कोई सच्चाई की बात भी नहीं है ना। हमारे जीवन में हमें बात को जानना है कि मेरे जीवन में मतलब कोई मतलब की बात नहीं, नहीं तो कुछ डर, शैतान क्या करता, कुछ ना कुछ डर लाएगा, वो डर उनको सताएगा तभी भी उनका आनंद निकल जाता है ना। कोई भी प्रकार का डर आज भी हमारे जीवन में कार्य करता है क्या? कार्य करता है तो फिर उसको प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए और आनंद से रहने के लिए नहीं होता है ना, डर हमें ये करता है। नहीं तो कुछ ना कुछ एक के प्रति कोई कड़वाहट हमारे अंदर है तो आनंद निकल जाएगा। कोई भी प्रकार का कड़वाहट है ना, आज कई लोग मन में किसी के प्रति कड़वाहट रखता है, वो लोग भी आनंद नहीं रह पाता। इसका मतलब हमें अपने जीवन में देखना चाहिए मैं आनंद दे क्या, नहीं तो मान कुछ निराशा, मतलब कोई काम नहीं हुआ उसमें हम दुखी हो गया, वो निराशा हमारा आनंद को लूट लेता है ना। देखिए मतलब ऐसा कई बात है, मतलब कई बार कई लोग आनंद से रह नहीं पाता। प्रियो क्या हम हमेशा आनंद से रहने के लिए कोई उपाय प्रभु ने बताया क्या? बताया ना, आप हमेशा आनंद रहने के लिए प्रभु ने उपाय बताया, क्योंकि जो बात ला करके आपको सता रहा है वो बात अधिकतर आपका चिंता है। देखिए प्रभु ने क्या बोला, पहला पत्रोस 5:7 सबको सुपरिचित वचन है। देखो ये सब बात कोई नया बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पुराना बात है, लेकिन याद दिला रहा हूँ। पहला पत्रोस 5:7 देखा, तुम्हारे सारी चिंता, देखिए सारा चिंता डालने के बाद बाकी कितना रह गया? सारा चिंता डाल दिया तो फिर बाकी कितना रह गया? जीरो। परंतु कई लोग मतलब डाल दिया बोलता है कि छोड़ा ही नहीं, पूरा का पूरा अपने पास है, नहीं है ना, पूर्ण रूप में प्रभु के लिए छोड़ दो, कुछ भी अपने पास मत रखो है ना, सारी चिंता छोड़ दो। देखो उसको हमारी चिंता है, प्रभु को हमारी चिंता है। प्रियो जब आपने प्रभु के हाथ में एक विषय को दे दिया तो फिर क्यों टेंशन लेने का, क्यों चिंता करने का? क्या प्रभु वो काम नहीं करेगा? करेगा, जरूर करेगा। यदि तभी भी यदि आपको सच्चा शांति का अनुभव आपके दिल में नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी व्यवस्था दिया ना, है ना, फिलिप्पियों का पत्र उसका 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या बात है, देखिए हमारे समझ से भरे शांति से हमारा दिल भर जाता, आप देखा है ना। हमारा कोई भी बात है प्रियो, कोई भी विषय है, हमें धन्यवाद के साथ प्रभु के हाथ में दे दो है ना, इसके बाद में आप देखना कैसे शांति से अपना दिल भर जाता है ना। फिर शांति से दिल भर गया तो फिर वो चेहरे में आनंद आएगा ही, क्योंकि निराशा दूर हो गया है ना।
वो जो भी दिल की जो भी पाप था, धड़कन था, वो सब दूर हो गया क्योंकि प्रभु के हाथ में हाथ रख लिया। प्रभु को देने के बाद फिर ऐसे बात नहीं रहता। एक सच्ची बात है, हम लोग कई बार प्रभु के वचन को सही रीति में नहीं मानता, हमें मानना चाहिए। फिर खास करके मैं आपको बताया ना, इस साल में कोई भी दुखी नहीं दिखना चाहिए। मैं आपको बताया ना, देखो दुनिया में कितना भी मतलब बात आने दो, समस्या आने दो, अभी हमने क्या गिर गया बताओ, क्रूस उड़ाना है। गिर गाने के समय में दिल में क्या आया, अभी इधर गिर गया, क्रूस उड़ाना है हम सबको। तो क्रूस उड़ाने का अर्थ ही क्या बताओ, क्रूस उड़ाना कोई हल्की बात है क्या? हमारी इच्छा त्याग दिया, प्रभु की इच्छा को स्थान दिया। अभी साल में कितने लोगों ने भी, इसलिए आपको आने के समय में मैं लोगों को बोल रहा था, हरेक लोग, हरेक पवित्र लोग कम से कम इस साल में ऐसा पक्का निर्णय लेना चाहिए कि मैं कम से कम एक आत्मा को तो जीतेगा, एक आत्मा को कम से कम जीतेगा। निर्णय लिया क्या? आपका निर्णय ही नहीं है, स्वर्ग देखता है कि आप क्या निर्णय लेता है, क्योंकि आपका निर्णय के ऊपर प्रभु काम करता है, प्रभु का महिमा के लिए। और आप सोचो, और आप एक आत्मा को जीतेगा तो मंडली में कम से कम 80 लोग है, 80 लोग एक एक आत्मा को जीतेगा तो एक साल में कितना आत्मा आएगा, 80 आत्मा आएगा तो टोटल कितना हो गया, 160, कितना हो गया, 160 हो गया। तो फिर दूसरे साल में कितना हो गया, 320, यानी 160 प्लस 160 कितना हो गया, आते हो तीसरा साल में कितना हो गया, 640, तीसरा साल में 640, और चारवा साल में कितना हो गया, 1280, कितना हो गया, चार साल में 1280 हो गया, और पांच साल में 2560, कितना हो गया, 2560। आप बताओ ये कोई मुश्किल बात है, साल में एक आत्मा। देखो प्रियो, एक बात मैं आपको बताता हूं, आपने जो सच्चाई जाना वो सच्चाई आप दूसरे को नहीं बताता तो आप पाप करता है। प्रियो, जिसने यीशु को जाना उसको यीशु को देना है, और आप यीशु को नहीं देगा इसका मतलब एक बहुत बड़ा अपराध है। उद्धार पाए हुआ हरेक पवित्र लोग ये जानना है। प्रियो, हमारे जीवन में मैं प्रभु में है, मैं उद्धार पाया, इतना काफी है क्या? नहीं प्रियो, हमें जरूर आत्मा के प्रति हमारे अंदर भूख प्यास चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनेगा तो जरूर प्रभु हमें आत्मा देगा, चुपचाप रहेगा तो कैसे आत्मा मिलेगा। मैं सोचता हूँ सर्व मनमाड़ में मैं 15 महीना में 89 लोग उधर पा करके बपतिस्मा लिया, 89 लोग। आप बताओ 15 महीना में मतलब 1.25 साल। देखो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति सच में प्रभु के लिए समर्पण हो, उसके बीच में और भी औरंगाबाद वाला में जो गया वो गिनती नहीं है, उसके बीच में और भी अन्य जगहों में गया वहां पर भी हमारा बहुत से लोग उधार पाया। आप बताओ बहुत बड़ी बात है। 3 दिन के लिए हैदराबाद गया था, 24 लोगों ने उधार पाया, 24 लोगों ने अपना वो प्रदोद का जो भाई और उनका परिवार और उनका बहुत से रिश्तेदार, सिर्फ 3 दिन। आप देखो हम प्रभु का वचन बांटेगा तो हम लोगों को प्रभु ने क्या दिया, सुसमाचार दिया। सुसमाचार देना किसका काम है, इसलिए सुसमाचार पाया बोलेगा तो, सुसमाचार पाया बोलेगा तो उनका उद्धार हो गया, इसलिए सुसमाचार स्वीकारा उनका उद्धार हो गया। तो उद्धार पाया हुआ हरेक लोगों का काम है ना प्रियो, हमें सुवार्ता देना। हम लोग धीरे ऐसा बैठे रहेगा तो कोई आत्मा ऐसे जीतेगा क्या? नहीं ना। जब रोमियो का पत्री 10 अध्याय का 13 से 21 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन 13 से 15 तक पढ़कर देखो, रोमियो 10 अध्याय 13 से 15 तक पढ़ लो अभी। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। देखा, कोई भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करेगा है? आज सुसमाचार सुनाने के लिए दुनिया में किसको भेजा बोलो, किसको भेजा, किसको भेजा बोलो ना, मुझको भेजा करके। आपका उद्धार हुआ है तो आपको बोलने के लिए आना चाहिए, नहीं तो अभी भी आपका उद्धार के बारे में संदेह करना पड़ेगा।
प्रियो उदार पाए हुआ सबको प्रभु ने भेजा है, है ना। योहन्ना 20:21 में क्या बोला, योहन्ना के सुसमाचार 20:21 बजे जैसा पिता ने मुझे भेजा देखा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। प्रियो हम सभी लोगों को आत्मा जीतने के लिए प्रभु ने भेजा है ना। पत्रोस और आंद्रेस को चुनने बुलाने के टाइम प्रभु ने क्या बोला, मत्ती 4:19 में मछली पकड़ने वाला मारे लोगों को प्रभु क्या बोला, यीशु ने उनसे कहा पीछे आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या बनाएगा? मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएगा। आप देखो प्रियो हमें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया, अभी आप देखो कितना साल व्यर्थ किया। प्रभु को लेखा देना पड़ेगा, प्रभु को लेखा देना पड़ेगा। जो बात जाना और वो बात हम नहीं बताया, लेवी 5:1 में लिखा है कि वो पाप करता है, आज तक पाप किया आगे पाप ना करो प्रियो, पाप ना करो, पाप में रह करके आप एक अच्छा पीजी जीवन नहीं बिता सकता। सबसे बड़ी बात है हमारे जिम्मेवारी होगा हमें जानना, यदि हमने वो बात को नहीं जाना हम अपनी मनमानी में चलते रहा, जरूर समय आएगा प्रियो, समय के रिद में हम चलता है वो हमेशा आगे ही चलते रहता है, वो कोई रुका नहीं सकता है। मेरे बनाने में ऐसे एक गीत है, समय अमृत तिल्यान स्वर्ग यात्रा चेयनु एन स्वदेशम कान्मदीनाय बेतपेटोडीडनु, बोलेगा तो समय की ऋतु में मैं स्वर्ग यात्रा में हूं, है ना। बहुत थोड़ा समय अपनी को जल्दी पहुंचाएगा। दूसरे एक भक्त ने एक गीत गाया मेरे को बहुत पसंद है, ऐसा क्या वो सही मतलब एक ही जिंदगी है और एक ही मौका है, इन्हें तो जीवन ओन्ने ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് വെറുതെ പാഴാക്കിടല്ലേ, മരിക്കും മുമ്പേ ഒന്നോർത്തിടുക ഇനിയൊരു ജീവിതം പോവതിലില്ല, ജീവിതം ഒന്നേയുള്ളൂ അത് വെറുതെ പാഴാക്കിടല്ലേ. അയ്യോ ജിന്ദഗി ഏകീയേ ഓ ഫാൽത്തുമേ ഖർച്ച് നാ കരേ, मरने से पहले सोच ले और एक मौका नहीं, एक ही मौका। प्रियो एक इतना मूल्यवान बात है, एक इतना बड़ा मतलब गौर देख करके विचार करने वाला बात है। मतलब वो इतना मैं सोचता है कि वो हिंदी में लाना चाहिए, बहुत गहरा गिरे है ना। मनुष्य अपना समय को टीवी देख करके चैटिंग करके चीटिंग करके मतलब ऐसा बहुत कुछ उसमें वो बताया हुआ है। बात क्या है ना, हमारा मूल्यवान समय उसका महत्व लोग ने नहीं जाना। प्रियो मसीह जीवन में आने के बाद में हमको बहुत बड़ी आशा है, हमारी आशा जिसको एक बात मैं आपको बताऊ, जो मसीह में है उनको आशा है, आशा है ना, आशा है ना। लेकिन आशा पाए वो लोगों को दिखने में आएगा, आशा पाए हुए लोगों को दिखने में आएगा। क्या आएगा आशा पाए हुए लोगों को, कैसे पहचान सकता है? देखो प्रभु में आया उधार पाया, लेकिन उधार पाने के बाद में अगर उसको कोई आशा नहीं है तो उधार नहीं हुआ है ना। उधार पाया हुआ व्यक्ति को आशा है, जीवित आशा है ना। वो जीवित आशा पाए हुए लोगों को हम कैसे पहचानेगा? प्रभु के वचन के द्वारा। वचन क्या बोल रहा है? देखो एक बात है, यहां पर भी आशा है, आशा दिया हुआ प्रभु ने, वहां पर जिम्मेवारी भी दिया है। जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है, हमें जिम्मेवारी है। हमारे दौड़ में ये बात को थोड़ा ठीक से जान लो प्रियो, है हमको आशा है बोलता है और तू नो जिम्मेवारी, कोई भी कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, ऐसा नहीं मसीह जी में। यहां पर भी आशा का बात कहा है ना, वहां पर जिम्मेवारी भी बताया हुआ है ना। एग्जाम्पल पहले होगा ना, 3 अध्याय का 3 वचन जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता
अपने आप को पवित्र रखेगा। प्रियो ये कितनी बड़ी बात है, हमारे जीवन में प्रभु ने हमको आशा दिया, प्रभु ने जरूर कल हमने देखा था उधार पाते ही हमको आशा दिया था, तो आशा प्रभु ने दिया, आशा पाया वो लोगों का चिन्ह है, जैसे वो पवित्र है अपने आप को पवित्र रखता है। आज पवित्र जीवन बिताने में हम कितना उलझाइए हैं, या इस वजन के अनुसार प्रभु में ये आशा रखने वाले प्रभु आएगा, जो वो आने के समय में हम रूपांतर होकर उड़ा ले जाएगा, जैसे वो है वैसे हम देखेगा, प्रभु के आगमन में हम उसकी जैसा बन जाएगा, ये आशा प्रभु ने हमें दिया। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि ये आशा जिसको भी मिला है वो जैसे पवित्र है वैसे अपने आप को पवित्र रखेगा। हम वो उस प्रकार का काम करता है क्या है, हमारी जिम्मेवारी है क्या, जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है, हमको ये आशा है, आशा के अनुसार हमें एक पवित्र जीवन बिताना हमारी जिम्मेवारी है, है? और हम नहीं करता तो है, इसके मतलब उस व्यक्ति को आशा है करके बोल नहीं सकता है ना। उसी प्रकार जब हम पहला तस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13 से 18 तक का वजन पढ़ने के टाइम पर, मतलब उसका 13 वजन और 18 वजन पढ़ो क्योंकि पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं। हाँ देखिए, तुम्हें आशा मिला है, तुम्हें आशा मिला है, तुम दूसरे के समान नहीं, तुम्हारा उधार हुआ है, तुझे आशा मिला है, प्रभु ने तुझे आशा दिया है, ऐसे लोग क्या करना चाहिए, वो लोग एक दूसरे को उसका कर्तव्य क्या है, उसका 18 वजन इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। देखा हमारा कर्तव्य क्या, एक दूसरे को शांति दिया करो, जिसको शांति नहीं, जो टेंशन में है, जो बोझ में है, उनको क्या करना, शांति दिया करो। ये किसका काम है, आप उसका काम है, हमारा जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है प्रियो, हम वो कर्तव्य नहीं निभाता और हम बोलते हैं हमको आशा है। प्रियो वो आशा मुर्दा आशा है, उसमें काम होना चाहिए, जैसा विश्वास काम देखते है तो मुर्दा है, उसी प्रकार आशा में हमारा कर्तव्य नहीं है, हम अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता तो वो मुर्दा है, वो सच्चा आशा नहीं, जीवित आशा नहीं उसको कह सकता है ना। प्रभु ने बोला कि जब योगना के समाचार उसका 14 अध्याय का 3रा वचन, योगना 14 अध्याय का एग्जाम्पल में आपको बोल रहा हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ देखिए, प्रभु ने हमको ये जीवित आशा दिया, महाराज जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर तुम भी रहेगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उसका 12 वचन, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना, मतलब तू दुखी नहीं रहना। देखा हमारा कर्तव्य क्या है, इसी कारण दुनिया हमें दुख देगा तो भी हम दुखी नहीं रहना, दुख रहने से हमारा ताकत पूरा निकल जाता, दुखी नहीं रहना, हमें उस आशा में आगे बढ़ना पड़े और हमारे जीवन में, इसलिए ना हर एक बात तो हम पर ध्यान, मरवी प्रभु ने जो आशा का बात दिया वहां पर हमारी जिम्मेवारी दिया, वो जिम्मेवारी निभाएगा तो आप कभी भी ऐसा बन नहीं सकता, आप कभी भी दुखी रह करके हर नहीं सकता ना। उससे भी बहुत एक गहरा बात मैं आपको बताता हूँ, दूसरी पत्रोस उसका 3रा अध्याय उसका 10 से 12 तक वचन, दूसरा पत्रोस उसका 3रा अध्याय का 10 से 12 तक 14 तक वचन, 14 तक का मिला हुआ वो आशा हमें बहुत उत्साह भी प्रदान करना चाहिए,
उन साहब के साथ सर एक काम करना, ये तो नहीं है कि तक्का मार परेड, नो बिल्कुल नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस साल प्लीज आप लोग थोड़ा मेरे साथ दौड़ने की यत्न करो, जरूर हमें मानो बिल्कुल इनाम पाना है, दाम देना पड़ता है, दाम देना पड़ता है। मैं आपको बोलता ना, मैं ऐसा मानो आर्मी में भी है ना, मैं जब भी मानो मैं ग्राउंड में आता था ना, सब लोग थोड़ा डरता था, क्योंकि क्या है ना 10-15 मिनट में कई लोग गिरने लगता है, थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज कर देता, ऐसे करना चाहिए ना, तभी वो सोल्जर सोल्जर बना रहेगा, है ना। अभी आपको मालूम है मैं आर्मी से निकलने से पहले मेरा बॉडी कैसे था, अभी आप लोगों ने खिला खिला करके मेरे को मोटा कर दिया, आप लोगों का प्यार मेरे को थोड़ा ये कर दिया, नहीं तो मैं 58 किलो से कभी ऊपर नहीं गया, अभी 95 है, आप देखो कितना बढ़ गया ये आपका प्यार का चिन्ह है। चलो कोई बात नहीं, तो बोलने का अर्थ क्या, अभी भी मेरा मतलब कोई एक मन बदती है, प्रभु ने दिया हुआ एक भी आत्मा पीछे ना रह जाए। मैं मतलब जो नकली करता है वो नकलियों के साथ मैं बिल्कुल भाई बदी नहीं करता, प्रभु की आत्मा क्लियर दिखाता है, क्योंकि मैं हरेक लोगों को वजन के द्वारा परखता हूँ। देखो सोने के बारे में मुझे कोई इतना मतलब जानकारी नहीं, जो डुप्लीकेट सोना देगा तो भी सोना बोल कर मैं विश्वास करेगा, मैं मेरे को मालूम नहीं सोना बोलकर मैं कब हमारा ये करेगा, पर सोनार के पास जाएगा तो सोनार के पास एक पत्र रहता है, उसको जो डाउट आएगा वो ऐसे हाथ में लेते, उसको मालूम है सोना नहीं, वो पत्र पर थोड़ा रगड़ेगा और उसको मुंह पर फेंकेगा, और किसी को बुद्धू बनाओ, और किसी को बुद्धू बनाओ। देखो ऐसा बहुत नकली लोग है जो मसीह की वेश धारण करके आता है, क्योंकि आखिरी समय का चिन्ह करके दूसरा तिमोथी 3:5 में लिखा है, वो व्यक्ति का वेश तो धरेगा परंतु उसका शक्ति को त्याग देगा। बहुत झूठे लोग आएगा प्रिय, हमें उन लोगों को पहचानना है, हमें उसका नकलियत को बाहर लाना है, उसके लिए प्रभु ने वजन दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा वजन के द्वारा परखता है, मुझे मैं कभी कोई बड़ा बड़ा आदमी करके ऐसा नहीं देखता, प्रभु ने दिया हुआ, मैं प्रभु का दास है, अपने लिए जो प्रभु ने संदेश दिया साफ साफ बताता है, किसी के चेहरे नहीं देखता, है ना। अपने को प्रभु का भाई मानना है, हमारा हरेक बातों में प्रभु का भाई मानने का गुण होना चाहिए, ऐसे नहीं है तो यहां पर 3 बार बोलता है कि वो प्रभु की आगमन की इंतजार में था। इंतजार में रहने वाला उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने हर प्रकार का दुनियादारी से कैसे वापस वो 12 बजे पढ़ना, बात किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल जाने के लिए ऐसा यत्न करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के कारण बहुत ही तप्त होकर जल जाएंगे, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी के आग देखते हैं जिसके धार्मिकता वास करेंगे। चौदह उनके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, निष्कलंक और निर्दोष ठहरना भी, इसके मतलब निष्कलंक और निर्दोष रहने का कर्तव्य हमारा है, ये कर्तव्य हमारा है, बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु के आगमन की बाढ़ जो हो रहा है, प्रभु के आगमन की बाढ़ जो होने वाले लोग कैसे होने चाहिए, वो निष्कलंक होना चाहिए, है ना, निर्दोष होना चाहिए। प्रियम हमारा जिम्मेवारी, जिसको ये आशा है उसके लिए जिम्मेवारी भी है, उसको ये काम करके प्रभु की आगमन की बात होना है ना। वही बात को मैं आपको बताऊं, उसका मतलब फिलिपियों 1:10 वचन पढ़ना, फिलिपियों 1:10 यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। देखिए मसीह के दिन में उसकी इंतजार में रहने वाला सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, सच्चे बने रहना और ठोकर नहीं खाना, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा जिम्मेवारी है, सच्चे बने रहना और ठोकर नहीं खाना। प्रियो हम लोग सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की इंतजार में है, हमारे यीशु मसीह आएगा उस समय में, जो भी उसमें ये आशा लेकर के जब प्रेषित पौलुस अपने जीवन में अपना मुकुट पाने के बारे में कहने के लिए उसके आखिरी में ऐसे शब्द दूसरा तिमोथी 4:8 में बोलता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, और आगे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा और
प्रकट होने को प्रिय जान करके उसकी तैयारी में रहने वाले सबको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रयोग, इसका मतलब हमको हमारा जीवन में अपने कर्तव्य के बारे में हमें जानना चाहिए। इस दौड़ में हमको, मैं कल आपको बोला था ना, बांबरी आने के लिए इतना बड़ा पहले है ना, तो क्योंकि थोड़ा मतलब आउटलाइन डाल करके अंदर जाने से बहुत गहराई में जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें इस दौड़ में हमें ना हारना है तो 10 बात छोड़ना चाहिए। कितना बात? 10 बात। और छोड़ने वाला बातों का लिस्ट में अभी पढ़ करके जाऊंगा, इतना बोलने के लिए टाइम नहीं रहेगा है ना। पहली बात, इब्रानियों का 12 अध्याय का प्रवचन, मतलब हमें इस दौड़ में ना हारने के लिए 10 बात को छोड़ना चाहिए। जो छोड़ना चाहिए ऐसा 10 बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें पहली बात इब्रानियों 12 अध्याय का प्रवचन। हाँ प्रियो, बहुत बड़ी बात है, पर इसका मतलब क्या है कि पाप को दूर करके दौड़ना, हमारे जीवन में पाप को दूर करके दौड़ना। आपको मालूम है ना, ये दुनिया में जब तक है और शरीर में जब तक है, पाप हमें अधीन करने का यत्न में है। प्रभु ने हमें पाप से छुड़ाया, परंतु अभी भी पाप दुनिया में है, और जब तक हम शरीर में है पाप हमारे शरीर में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा उत्पत्ति 4:7 में काइन को प्रभु ने बोला था, काइन सावधान, तुम्हारे आगे है ना भाव बड़ा है, तुझे उसको जीतना है। देखा, प्रभु उनको बताया, जीता लापरवाही हर गया। प्रियो, हमारे जीवन में हमें पाप से एक लड़ाई है, उसको मतलब एक प्रकार है ना, वो आपको छोड़कर जाने की तैयार नहीं, जा वो बोलेगा तो वो ही जाएगा नहीं। जैसे बोलता है ना, मछली हाथ में है, बिल्ली पीछे आ गया, बिल्ली को कितना भी भगाएगा तो भी हो जाएगा नहीं, आपका अनुभव होगा, क्योंकि उसका खास चीज आपका तेली में है, उसका स्मेल आ रहा है तो वो छोड़ नहीं पाता। समझ में आया? इसलिए मतलब पाप किसी ना किसी प्रकार आपको कब्जा करने की लज्जा में, मतलब तैयारी में, हो सकता है हमें जीतने के लिए उसका 4 वचन में लिखा है, इब्रानियों 12:4, तुमने पाप से लड़ते हुए, पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की, ऐसी नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा। देखा, इसको मतलब पाप से लड़ते हुए ऐसा मुठभेड़ करना पड़ता है। प्रियो, आप देखो, मैं आपको बोलता हूँ, पाप थोड़ा भी मतलब मिल गया तो एकदम पकड़ लेगा। मैंने वो मतलब बारिश के टाइम पर वो काला बंडल के बाद बोला ना, ऐसे बात है, अपन कई प्रकार का दुनिया की मोहों में जाकर के मोह क्या करता, पाप में गिरा था है ना। अरे बारिश के टाइम में लोग नदी के किनारे में देखते रहता है, कई चीज बह कर आएगा, बह कर आने वाला दुनिया का है ना। एक जवान देखा, अरे एक बड़ा बंडल, कंबल का बंडल होगा, सोचा है, बोला चलो ठंडी दूर हो जाएगा, जंप करके उसके पास तैर करके गया और वो हमारे किनारे में लाने के लिए उसको पकड़ करके खींचा, उसको जैसे खींचा उसने इसको पकड़ लिया, क्योंकि वो मतलब कंबल का बंडल नहीं था, एक बालू था, बालू इसको पकड़ लिया। अभी वो सोचता है कि मैं इससे बचू, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ेगा नहीं है। देखा, ऐसे है पाप, पाप बोलता है मैं तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मैं तुमको लेकर के जाएगा। प्रियों, बहुत भयंकर बात है, इससे हमें लड़ना है। किसी प्रकार भी एक बात पाप है करके मालूम, पाप को हमें हल्का कभी नहीं जानना, पाप हमें जरूर मतलब मृत्यु लेकर आएगा। आज बहुत बार प्रभु ने मना किया, वैसे कई बातों में लोगों ने लापरवाही किया, इसलिए उनके आत्मीय जीवन में गिरावट आया, वो दौड़ पूरा नहीं हो पाया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक लोग है ना, ये दौड़ में है ना, दौड़ की एक खूबी क्या है ना, आप धीरे भी दौड़ो लेकिन पहुंचो, इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा। और बीच में छोड़ दिया तो, क्योंकि मुझे एक बात का मेरे को बहुत अच्छा याद आता है, मैं 78 में ऑल इंडिया साइकिल रेस में भाग लिया, उस समय में 80 किलोमीटर का मारा ये था, तो इंडियन एयरफोर्स, नेवी, मारा आर्मी
और बहुत बड़े बड़े मतलब कंपनियां उनका सबका चुने हुए 340 लोग थे, ठीक है ना। तो आखिर में हम लोग सिर्फ 14 लोग आखिर तक मतलब चलाया, बाकी सब लोग बीच में घटवा मतलब चला गया। कितना था? 340। और जो 14 लोग जो आया सबको इनाम मिला, प्रेज़ लॉर्ड, सबको इनाम मिला है। वो लोग भी आने से उनको भी मिलता था, 340 आता तो 340 को देता, लेकिन नहीं आया। मसीह जीवन में कितने लोग ये दौड़ में बीच बीच में छोड़ देता, मसीह जीवन का दौड़ छोड़ देता, उनको इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा? प्रियो, हमें इनाम पाने लायक हमें दौड़ते जाना है, इनाम मिलना चाहिए प्रियो, इनाम मिलना चाहिए। ये दौड़ में बीच में दौड़ छोड़ना नहीं है, प्रभु ने दिया हुआ उस गवाही को त्यागना नहीं है ना, प्रभु में बना रहना आखिरी तक, आखिरी तक विश्वासियों के रहना प्रियो, आखिरी तक ये दौड़ को दौड़ना है। तो पहली बात, हमारे जीवन में हर प्रकार का पाप से दूर होकर के हमें दौड़ना है, नहीं तो हम दौड़ नहीं पाएगा, हमारे में गिरावट आएगा। दूसरा नंबर बात, पहला कुरिंदी उसके 6 अध्याय का 18 वचन, पहला कुरिंदी 6 अध्याय का 18 वचन, हमें क्या छोड़ना है? व्यभिचार से बचे रहो, देखा, व्यभिचार से बचे रहो, बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आपको मालूम है, मतलब अपने जीवन में मतलब प्रभु नफरत करने वाला ऐसा कोई भी ऐसे पाप में गिरेगा तो उनका दौड़ गया। आज बहुत आत्मीय दुनिया में ऐसा मतलब बातों में लोग गिर गया, वो व्यभिचार में पड़ गया। व्यभिचार से बचे रहो प्रियो, कोई ना कोई रीति में हमें फंसाने के लिए शैतान कई प्रकार का जाल बिछाएगा, लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो पट करके नष्ट हो जाएगा। व्यभिचार से बचे रहो। तीसरा, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय के 22 वचन, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। भाग, अभी आपको मालूम है मतलब व्यभिचार बोलेगा तो कई लोगों को लेगा सिर्फ स्त्रियों का साथ का संबंध है, ऐसा नहीं है, दुनिया के मोह भी व्यभिचार है, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि याकोब 4:4 में आपको मालूम है, इसलिए मैं इतना जोर नहीं दिया। याकोब 4:4 में क्या बोला? हे व्यभिचारिणियो, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? देखा, इसका मतलब क्या है कि संसार के साथ का मित्रता, संसार के जैसा बनने की कोशिश एक प्रकार प्रभु की दृष्टि में व्यभिचार तुल्य पाप है, उसको व्यभिचारिणियो करके कहा गया। एक बहुत भयंकर बात है, हम लोग इस बात में सावधान रहना प्रियो, पवित्र लोग हर चेतावनियों में सावधान रहना। तीसरा बात और एक और पढ़ना, दूसरा तिमोथी 2:22, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भागो, देखा, जवानी की अभिलाषा, इसका मतलब ये जवानों के लिए क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सबके लिए, सब जवान है, सब जवान है, जब तक मरता नहीं तब तक जवान है। जवानी की अभिलाषा सब में आएगा, सबको सुनने में आ रहा है क्या? जवानी की अभिलाषा से भागो, जवानी की अभिलाषा में अगर गिर जाएगा उनका आत्मिक दौड़ बंद हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में ऐसा कोई वादा आने नहीं देना, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये सब बहुत विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं, इसलिए भी आगे बढ़ रहा हूं। ओके, चारवा बात, मतलब पारत मोती 6:10-11 वचन, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई उनकी जड़ है, इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है, पर हे परमेश्वर के, बस 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 बस, देखो मतलब धन का लोभ, धन का लोभ, मतलब धन की लोभ में गिर जाना ये एक भयानक पाप है। आपको मालूम है धन का लोभ सारे पापों का जड़ बोला, जड़ बोला, देखा कितना बड़ी बात है। ये दुनिया की धन के पीछे कितने लोगों ने अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद किया है ना, दुनिया की धन पाने के लिए, दुनिया की बातों के लिए ना। पहला मतलब मसीह मंडली में सबसे पहला डेथ जो हुआ किसके पीछे हुआ? धन की लालच में, धन की लालच में है ना, उन्होंने धन को, अभी उनका ही था, झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन लालच में गिराया। तो सबसे बड़ी बात है धन की लालच ना, धन की लालच, एक प्रकार धन की लालच ही था देमास और उसको छोड़कर जाने के कारण, धन की लालच था, दुनिया उनको अच्छा लेगा, दुनिया के लिए उनको अच्छा लेगा, इसलिए
दूसरा तिमोथी 4:10 में बोलता है संसार को उन्होंने प्रिय जाना। देखा इसका ये दुनिया की खुशी दुनिया के आनंद उसको प्रिय लगा। ये दुनिया से कभी प्यार नहीं करना प्रियो, दुनिया की बातों में कभी प्यार नहीं करना। अगर ऐसा होगा ना कई लोगों को दुनिया में जो भी दिखता है वो सब अपनाने के चक्कर रहता है प्रियो, वो बहुत आपको धोखा देगा, आपका आत्मीय जीवन में गिरावट लाएगा। है ना, संसार की बात, संसार और उसकी इच्छाएं अभिलाषाएं मिट जाएगा। हमारा पहला योग ना धोखा 15 वजन है सब आपको मालूम। मैं आपको हर एक वजन इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि आप लोग इतना एकदम नेसरी स्कूल के बच्चे नहीं, आप लोग सब बात मालूम। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक वजन कितना सुंदर है ना, ये वजन में हमें बना रहना। हमको इस मसीह जीवन की दौड़ में बाधा लाने वाली बात है, हमें विजय नहीं होने वाला बात है ये सब, इसे हमें छोड़ना है, उस बात को छोड़ना है। और पांचवी बात, पहला कुरिन्थी 10:14, पहला कुरिन्थी उसका 10:14। मतलब मूर्ति पूजा छोड़ करके भागो, क्या बोला, मूर्ति पूजा से बेचे रहो, बोलने का अर्थ मूर्ति पूजा छोड़ करके भागो। सिर्फ मतलब हम लोग कोई ऐसा कोई मूर्ति खड़ा करके उसको दंडोत किया इतना ही नहीं, उसमें भी धन का लोभ आता है ना। एफिसियों 5:5 में ऐसे लिखा है ना, एफिसियों 5:5 में क्या लिखा, क्योंकि तुम यह जानते हो किसी भी व्यभिचारी अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभी मनुष्य, लोभी मीन्स तंगी को, धन का लोभ, लोभ मीन्स धन का लोभ, धन का लोभ मतलब वो मूर्ति पूजा के बराबर है, वो एक मूर्ति पूजा है प्रियो। कितने लोग कैसे भी किसी रीति में भी धन कमाने के पीछे प्रभु को छोड़ देता, इसलिए प्रभु के लिए उनको समय नहीं, धन उनके लिए सब कुछ है। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने जो बताया सेवा, लोग ये कि प्रभु का सेवा नहीं तो धन का सेवा, दो स्वामी है सीधा वो शैतान का भक्ति ऐसा नहीं। जब आपको मालूम मत्ती 6:24 में लिखा है एक जन दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, वो एक से बैर करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम अभी भी प्रभु के लिए समय नहीं बोलने का अर्थ हमारे समय किसके लिए देता, धन के लिए देता, बाकी किस बात के लिए। वो कितना डेंजर बात है ना, प्रभु की आलोचना कितना श्रेष्ठ है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी बहुत लोगों के जीवन में प्रभु का कार्य क्यों नहीं होता, इन वजनों में वो सावधान नहीं रहता, वो सही प्रकार क्यों नहीं जोड़ पाता। सच्ची बात है ये लोग ये वजन पर ध्यान नहीं देता। ओके चौथी बात, रोमियो उसका 13:12, रोमियो 13:12 अंधकार के कामों को त्यागना, क्या करना, अंधकार के कामों को त्यागना। आपको मालूम है उसका अंधकार का काम तो आगे तो आगे भी पड़ेगा, मतलब सीधा चाल जो नहीं होता वो सब अंधकार का काम है। यह राम पर बोला है या ना लीला क्रीड़ा देखो ये सब अंधकार का काम है, बोलते हैं अंधकार का काम। प्रियो प्रभु ने हमें अद्भुत ज्योति में लाया, आज हमें ज्योति की संतान बनकर के जीना है और ज्योति का फल देना है ना। इसलिए हम लोग कोई भी अंधकार का कामों में ना जाए। आपको मालूम है चोरी चोरी करता है तो चोर चोरी करता है तो कब करता, रात को चुनता है, अधिकतर जो भी गलत काम होता है वो रात को करता है ना। तो हम लोग दिन के है, हम लोग दिन की है, हम ज्योति में है ना। हमारे जीवन में प्रभु ऐसा कोई भी बात देखना नहीं चाहता। बड़ी बात क्या है कि हमको हमेशा याद रखना है मैं प्रभु का दृष्टि में हूं, प्रभु मुझे देखते रहता, मैं प्रभु का दृष्टि से छिपा हुआ नहीं। कई बार लोग ये बात को भूल जाता है ना, सूर्य सुबेरे उड़ करके प्रभु को दृष्टि लगाया तो फिर आपको याद रहेगा, पर प्रभु पर दृष्टि नहीं लगाएगा फिर शायद आपको प्रभु दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहला स्थान प्रभु को दिया नहीं। पहला स्थान रोज प्रभु को देना,
उड़ने के समय में पहला स्थान हमेशा प्रभु को देना, बाकी बातों में नहीं। ओके, सातवीं बात, इफिसियों 4:22 कि तुम पिछले चार चरण के पुराने अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है। देखा, पुराने अभिलाषाओं के साथ चलने वाला एक मनुष्य, उसको हमें पूर्ण रूप में त्यागना है। बहुत सत्य चेलब नहीं है प्रियो, आज हम प्रभु में आ गए तो प्रभु में हमें एक नया सृष्टि बन गया। वो पुराना बात आज हमारे जीवन में नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो हम मसीह में आया करके बोलना वो गवाही तक धोखा हो जाएगा, है ना। यहां पर मैं खास करके एक बात आपको कहना चाहता हूं, आज हमारे बारे में लिखा है कि हम नया सृष्टि है। क्या है? नया सृष्टि। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में हो गया तो वो नया सृष्टि है, फिर वो पुराने मनुष्य का स्वभाव हमारे में कैसे आएगा? नहीं आना, आने नहीं देना। अगर कुछ दिखता है तो तुरंत उसको मारना। ये तो आप पड़ोसियों के पत्री 3:5-9 तक वजन में पड़ेगा तो बार बार ये बात को उड़ाकर खाता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में मतलब हम उस पुराने शरीर में रहता है परंतु वो शरीर के अनुसार हमें नहीं चलना है। हमारे जीवन में बिल्कुल इस बात में बहुत सावधान रहना पड़े। अभी भी हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ, इसलिए कई प्रकार का बातों में हमें गिराने के लिए शैतान शरीर को इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए बोलता है, वापस पढ़ना उसका 22 एफेसियों 4:22 कि तुम पिछले चार चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाणी वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता चाहता है उतार डालो। देखा, पिछले चार चरण का कोई भी बात नया सृष्टि में देखने के लिए प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। कुरिन्थ मंडली के लोग जब प्रभु में आया, वे लोग प्रभु में आने के बाद में प्रेषित पौलुस उनको एक चेतावनी देता है, पहले कुरिन्थी 6:11 का 11 पढ़ना। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? हाँ, देखा, तुम में से लोग ऐसे थे, मतलब दुनिया की रीति में चलने वाले लोग थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखा, तुम अभी पवित्र हुए, तुम अभी नया व्यक्ति है, तुम मसीह में है, तुम नया सृष्टि है। वो बाकी बात धोए गए है, अभी वो पुराने जीवन उनका कैसे था, उसका 9:9-10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियकर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। देखा, ये बजाय हुआ सारे बातों में बहुत कुछ बातें उन लोगों में था, इसलिए 11 की शुरुआत में क्या बोला? और तुम में से कितने ऐसे ही थे, मतलब इन इस प्रकार के पापों में फंसे हुए थे, मतलब अभी ऐसे नहीं। प्रभु में आने के बाद में पीछे का कुछ बात रह गया करके नहीं बोलना, ये बिल्कुल प्रभु नहीं चाहता। अभी भी हमें परखना है, मेरे जीवन में प्रभु ना चाहने वाला ऐसा पुराने जीवन का कोई भी बात मुझ में है कि नहीं है, तो मेरे दौड़ में वो ठोक रहे, मैं अच्छा में नहीं दौड़ पाएगा, मैं कहीं ना कहीं ठोकर खाएगा। क्या चेतावनी है प्रभु, कितना साफ है प्रभु का वचन, है ना। नवी बात है उसका 25 एफेसियों 4:25 इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। देखा प्रियो, आज भी प्रभु में आने के बाद में बहुत लोग मतलब झूठ बहुत बोलता है, प्रभु में आने के बाद में भी झूठ बहुत बोलता है, ये एक बहुत बड़ा दुखदायक बात है। अभी आप जरूर इन सारे बातों को छोड़ दो, बोला प्रभु, झूठ बोलना छोड़ दो। अभी भी कितने लोगों ने साथ में रखा है, कभी भी है ना, कई लोग, मैं इसलिए अभी मतलब आप क्यों नहीं आया करके पूछता नहीं, क्योंकि पूछने से अधिकतर लोग झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि साफ अपने को मालूम पड़ता है, मन नहीं तो सीधा बात बोलेगा तो अच्छी बात, मन नहीं था मेरे को आज आने के लिए, मेरे को मन नहीं था, वो ये सच्ची बात, मन नहीं तो मार गए ना,
नहीं तो मैं उठ गया, थोड़ा देरी से उठ गया, 8 बजे मीटिंग है, मैं उड़ाई 8 बजे, फिर टाइम वक्त पे जाएगा तो फिर प्रभु का दास पक्का कुछ बोले, मैं क्या बोलेगा भाई, ये तो आपकी बात है, आपको ही लेकर देना है, मुझे लेकर देना है क्या, नहीं मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, मैं आपको सिर्फ प्रोत्साहित करता हूँ, गलती हरेक से हो सकता है, हो सकता है आपको आपको प्रभु ने सुबेरे जगाया लेकिन आप जगह नहीं है, वापस एक पट्टी मारा होगा, उसमें धोखा खाया होगा, लेकिन प्रभु जरूर जगाता है, प्रभु को प्रभु कभी भी ऐसे बातों पर नहीं जगाया, ऐसे बात नहीं, आपको जगाया था लेकिन आपने टंडी के बजा लिया, है ना, नया कंबल लाया, चलो बहुत दिन के बाद में थोड़ा बहुत सोने का मौका, संडे है ना, एक ही दिन आराम मिलता है, और प्रभु का दास तो संडे को भी सोने नहीं देता, दोष पूरा प्रभु का दास को है, जो भी बात है, चलो आप दोष लगाया बोल के मेरे को नुकसान है क्या, मेरा और फायदा हो गया, लेकिन आपका नुकसान हो गया, ऐसे नहीं करना प्रियो, अनेक बातों में हमको एक आदर्श बनना है, है एक सच्चा आदर्श बनना है, कुछ ना कुछ झूठ बोलना नहीं प्रियो, किसी भी कारण कितने लोग निर्णय लेगा, अरे यो मैंने बोला था मैं मेरे होटल से झूठ नहीं बोलूंगा, आप बताओ है, यो बोलता है मैं मेरे होटल से झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा, दाविद बोलता है मेरे होटल का शब्द तेरे लिए ग्रहण योग्य, बोले कौन झूठ है क्या, सच्ची बात है, कितना बड़ी बात है, आज उधार पाए हम लोग अभी भी, अच्छा ही हमारे कमर बंद है, झूठ बोलने वालों का कमर बंद गया, और जब कमर बंद नहीं है तो आप लड़ाई के मैदान में क्या करेगा, आप जल्दी नंगा हो जाएगा, दुश्मन आपको एकदम नंगा कर देगा, देखा, क्योंकि कमर बंद के ऊपर सब कुछ है, सच्चाई होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद। आठवीं बात कोलोसियों 3:9, सॉरी 9वा बात कोलोसियों 3:8, और अब तुम भी सब को अर्थात क्रोध रोष भैर भाव निंदा मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो, देखा, सब छोड़ना है, छोड़ने के लिए कहा हुआ कोई भी बात अपने पास मत रखना, रखेगा तो आपको ये दौड़ में आप बहुत मानव ये भार के कारण आप थक जाएगा जल्दी, आप दौड़ पूरा नहीं कर पाएगा, है ना, आज भी कितने लोग हैं छोटी छोटी बात में जल्दी गुस्सा करता, जल्दी झगड़ा करता है, ऐसा करना हमारे लिए हमारे दौड़ में अच्छा बात है, है? नहीं प्रियो, देखो इसमें हमें बहुत सावधान रहना, जो जो बात प्रभु ने छोड़ने के लिए बोला उसमें एक भी बात हमारे में रहेगा हमारे दौड़ में हम लोग हारने का खतरा है, मतलब जिस बात को प्रभु ने मना किया और वो बात हमारे में रहेगा तो वही कारण हमारा मतलब नाश हो सकता है, हमारा हार हो सकता है, बहुत भयंकर बात। और दसवीं बात भी जल्दी पढ़ाता हूँ, पहले पत्रोस 2 अध्याय उसका पहला वचन, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, देखा, ये सबको दूर करना पियो, अभी मैं आपको कई बार कई रीति में इस शब्द को लेकर बोला, हमारा आत्मिक जीवन को कमजोर करने वाला 5 भयंकर कीड़ा है, 5 भयंकर कीड़ा है, इसको मार दो, इसको निकाल कर फेंक दो, देखा, आज भी बहुत लोग जो वजन आने के समय में वो वजन उनका जीवन में काम क्यों नहीं करता, एक कीड़ा अंदर है, जब तक ये कीड़ा रहेगा, कई बार मैं बोला ना कई बच्चे लोग इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाता है लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो कुछ खाता ही नहीं, खाता बहुत है, त्रिबुल खाता है, डबल त्रिबुल खाता है लेकिन फिर भी कमजोर रहता, क्यों, अंदर कीड़ा है, डॉक्टर के पास जाने के टाइम डॉक्टर बोलते हैं पहले जाने समय इसका कीड़ा इतना बढ़ गया है, फिर भी दवाई देता है, फिर पोस्ट ऑफिस में जाता है, इतना निकला 5 बड़ा बड़ा कीड़ा, समझ में आया ना प्रियो, समय पर वो काम करना है, प्रभु का वजन में जो, इसलिए ये जो पाने वाला वजन बराबर लोगों में काम नहीं करता, काम नहीं करता, इसलिए ये 10 बात मैं थोड़ा स्पीड में बोला आपको, मतलब आपने लिखा होगा ध्यान करना, ये 10 बात हमें छोड़ना, छोड़ करके हमें इनाम पाना है उसका 1-2 वजन, क्योंकि 2 मिनट बाकी है ना, ओके, तो फिलिप्पियों के पत्र 3 अध्याय
अभी हमने दौड़ का पांचवा पॉइंट पार किया, छठवा पॉइंट में आए, सात पॉइंट है, छठवा पॉइंट है मतलब हमें लेच्छे लगा कर दौड़ना, क्या करना लेच्छे लगा, कैसे भी मत दौड़ना प्रियो, लेच्छे लगा करके दौड़ना। क्या हमारे लेच्छे है, या हमारे पौलोस क्या बोलता, मेरी प्यो तीन का 12 से 14
और हमें यकीन करना है और आज भी आखिरी दिन रहेगा तो मैं वो इनाम पाएगा जो मेरे लिए प्रभु ने रखा है, वो दूसरे को ले जाने नहीं दूंगा। मैं इस प्रभु का सत्य भजन को थामे रहेगा, इस भजन से दैनी बाय नहीं जाऊंगा, ऐसे एक पक्का निर्णय चाहिए। तो हमारी दौड़ में हमें छोड़ने वाला बात छोड़ना चाहिए और हमारे दौड़ में पक्का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह। क्या है? यीशु मसीह को प्राप्त करना। कितना भी प्राप्त करो वही हमारा आखिरी में हमारा सच्चा धन। अभी उस बात का आखिरी पॉइंट कल रहेगा, वो बात क्या है ना, ये दौड़ में हमारा सच्चा गवाही होना चाहिए। क्या चाहिए? सच्चा गवाही। प्रियो आज बहुत पवित्र लोगों जीवन में एक गवाही नहीं, देखो हमारा गवाही में कलंक करने के लिए दुनिया कोशिश करेगा, वो बात चिंता मत करो। प्रभु की दृष्टि में मैं कैसा है, दिल क्या गवाही देता है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए एक गवाही का दौड़ होना चाहिए, ऐसा है तो अपन विजय हो जाएगा। वो बात में आखिरी कल वो बात को कंप्लीट करेगा ये दौड़ के बारे में। बाकी अभी 6 पॉइंट आपको बताया, 6 पॉइंट आपका ध्यान में है करके मैं आशा करता हूँ। एक बार चाहिए तो मैं एक बार याद रहता हूँ। अरे बात हमारा ये दौड़ का शक्ति मानव प्रभु में आनंद है। क्या था? हमारा ये दौड़ का शक्ति प्रभु में आनंद है। और दूसरा हमें ये दौड़ में सावधान दौड़ना है। किन किन बातों से सावधान रहना? हमने आपको बताया, कुत्तों से और बुरे काम करने वालों से और काटकूट करने वालों से, बहुत अच्छी तरह आपको समझाया। तीसरी बात हमें सच्चाई में दौड़ना है, हमें सच्चाई में दौड़ना। बोलने का मतलब हम लोग सच्चा कतने वाला है, हम लोग सच्चा कतने वाला लोग है, हम सच्चाई में आराधना करने वाले लोग है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हम लोग है। जो उधार पाया, उधार नहीं पाया वो नहीं कर सकता। पुराना नियम का कोई भी भक्त सच्चा आराधना नहीं कर सकता, नया नियम का भक्त ही। ये सब बात आप लोगों को समझ में आया ना? कितने लोग पुराने बातों को लेकर के उसको आराधना बोल करके है ना भजन नहीं जानता है तो कितना बड़ा धोखा है। फिर किसी को है ना, अगर ऐसा कोई भजन का कोई डाउट है ना, पक्का पूछना, मैं आपको बहुत विस्तार से बताए। लोग कितनी प्रकार धोखा खा रहे हैं, उनको ये सच्चाई का ज्ञान नहीं। सच्चाई तो वाम है, हमें जानना चाहिए। ओके, चौथी बात हमें स्वर्गीय बातों को या आनंददा की बातों को प्राप्त करने लायक दौड़ना। हमारा ये दौड़ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वर्गीय बात या आनंददा का बात। पांचवी बात जो छोड़ कर भागना, और चौथी बात लक्ष्य लगाकर भागना, और सातवीं आखिरी बात गवाही के साथ दौड़ना। आखिरी तक गवाही रहना चाहिए हमारे गवाही में, क्योंकि उस पर हमारा विजय है। शैतान के ऊपर विजय पाने वाले लोग कौन है? उनका गवाही के कारण। मतलब प्रकाश के 12:11 आपको याद है। तो इसलिए गवाही नहीं है तो आप ये दौड़ में आप बिल्कुल हरा हुआ है, आप विरोधी के ऊपर विजय नहीं पा सकते और ये दौड़ में आपको इनाम नहीं मिलेगा। विस्तार से कल बहुत गंभीर क्लास रहेगा कल का, तो प्रभु मानव जरूर बहुत प्रार्थना के साथ आना प्रियो। एकदम मानव एकदम बहुत बहुत बातें सुनाने की इच्छा रहता है, बहुत कुछ प्रभु से जो पाया आज देने के लिए जो भी था हम शब्दों में आपको दे दिया। तो मैं आग्रह करता हूँ, अभी हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, फिर बहुत शॉर्ट टाइम है। आपने देखा ना झारखंड में ऐसे ही तो मतलब बिल्डिंग में काय गिर रहा है, मिट्टी नीचे जा रहा है, मतलब पापड़ जैसा पृथ्वी टूटते जा रहा है। ये सब प्रभु के आगमन के चिन्ह नहीं तो फिर क्या है? अभी ज्यादा दिन अपने को यहाँ पर रहना नहीं पड़ेगा, दौड़ के लिए टाइम बहुत कम रह गया। इसमें हमें सही प्रकार व्यवस्था में मैं दौड़ रहा है, परख करके लक्ष्य लगा करके दौड़ना। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।